नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 के बारे में। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, डाउट्स आपके क्लियर करने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर मेरी आती है तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए और आप जल्दी से जल्दी देख भी पाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी तरफ से पूछे जाते हैं, उनका मैं इसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, विच स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर इन री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019। किन किन स्टूडेंट्स को असल में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है जुलाई 2019 का, जो लिंक है इस समय, वो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हैं उसको, किस किस को ज़रूरत है। तो उन बच्चों को जिन्होंने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया था, चाहे वो ग्रेजुएशन के थे चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 6 मंथ के होते हैं, 6 महीने के जो होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे जो ग्रेजुएशन में आ जाता है आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस और भी जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो, और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, ठीक, तो उनमें जिन्होंने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया था उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। साथ में उन बच्चों को भी, उन ग्रेजुएशन के बच्चों को भी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस, इनके उन बच्चों को भी जो थर्ड ईयर में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि थर्ड ईयर में जिनको एडमिशन लेना है, तो उनको भी ये करवाना पड़ेगा, ठीक। तो किन किन को करवाना है, जुलाई 2018 में जिन्होंने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, और साथ में ग्रेजुएशन के वो बच्चे जिनको थर्ड ईयर में अब एडमिशन लेना है, तो उनको री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 करवाना है। उसके बाद, वट इज़ री रजिस्ट्रेशन एंड इज़ इट कंपल्सरी। री रजिस्ट्रेशन है क्या और क्या ये कंपल्सरी है? तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं अपने सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, ठीक, तो उसको ही री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। जिस तरह से आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या करते हैं, आपकी अपनी ईयरली फ़ीस देनी होती है आपको, आपकी जो सालाना फ़ीस होती है वो आपको देनी होती है, साथ में अगले साल आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो भी चूज़ करना होता है। तो इन दोनों को जब आप करते हैं तो उसको ही नाम दिया जाता है री रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्टर आप पहली बार जब आपने एडमिशन लिया था वो आप करवा चुके हैं, रजिस्टर उस समय हो चुके हैं, तो आप एक और बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसको इसलिए री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में होते हैं वो अपनी जब ईयरली फ़ीस देते हैं और अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको कहा जाता है री रजिस्ट्रेशन, ठीक। और ये कंपलसरी होता है हर बच्चे को, जो भी ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, उसको री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। उसके बाद, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन एंड विल इट बी एक्सटेंडेड। लास्ट डेट क्या है और क्या ये एक्सटेंड होगी? लास्ट डेट इस समय जो है वो 31 मई है, 31 मई है, और ये एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि वो 1 महीने एक्सटेंड की गई थी, तो इस बार भी हो सकता है कि 1 महीने एक्सटेंड कर दी जाए, ठीक। लेकिन आप 31 मई से पहले ही करवा दें अपना री रजिस्ट्रेशन। उसके बाद, कैन वी एग्ज़ाम फर्स्ट एंड देन रजिस्टर, यानी कि क्या आप एग्ज़ाम पहले दे दें और उसके बाद अपना री रजिस्टर करवाएँ, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट री रजिस्ट्रेशन की जो है वो 31 मई है, और जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वो 1 जून से होने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम तब शुरू होंगे जब री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एग्ज़ाम से पहले ही आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम दे या ना दे, अगर आप जून में एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते किसी भी सब्जेक्ट का, अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का या सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का, फिर भी आपको री रजिस्ट्रेशन अगले साल के लिए करवाना है, ठीक। एग्ज़ाम आप दिसंबर में दे सकते हैं, लेकिन अभी री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो इस वीडियो में हमने बात की FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर भी जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।